believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. Be the best at what I know. And watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words will be read. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end. No. हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू गेम प्ले वीडियो लेकर के वापस। तो लोग देख रहे होंगे कि मैं आया हूँ आज मिल्टा में आया हूँ, क्योंकि और दूसरा कोई हॉट ड्रॉप था ही नहीं। और तो और आपने जो स्टार्टिंग देखी आपको अच्छी लगी हो तो बताना, बस थोड़े दिन से बेलम पाली मचा दी थी उसमें। इसमें वापस से मैंने शॉटगन उठा लिया हाथ में, और तो और पीछे की साइड में बंदे भी हो चले थे। मुझे यहाँ पर मिली जाती है M16, पीछे की तरफ में पूरी दो स्क्वाड उतरी हुई थी। तो मैंने टीममेट को जल्दी से कॉल दी थी कि गन मिलते ही मेरे पास आ जाना, जल्दी से हम रश कर देंगे। मुझे यहाँ पर स्कारल वगैरह मतलब एमओ की तो वहीं कमी ही नहीं थी, फुल तो मेरी एकदम फुल फाल पूरी की पूरी मेरी लूट कंप्लीट हो गई थी। तो मैं चला जाता हूँ पीछे। अब यहाँ पर पीछे ही था बंदा, लेकिन बंदा पता नहीं पीछे साइड में किधर गया था। मैं यहाँ पर बहुत देर से टीपी भी लेकर के बैठा था, और तो और बंदा कोई आ ही नहीं रहा था। अब मैंने बोट फायर दिया कि अगर जो बंदा अपनी पोजीशन रिवील करेगा, लेकिन बंदा क्या था कि बंदा पीछे से आया। तो पीछे से जैसे ही वो आया तो मुझे फुट स्टेप तो सुनाई देंगे ही हेडफोन में। तो जल्दी से मैंने पीछे देखा, इतने में बंदा पूरा क्राउच होकर के आ रहा था कि मैं हाइड होकर के आ रहा था बंदा, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने मार दिया। अब पीछे से वापस से फायरिंग आ रही थी, तो मैं पूरा का पूरा घूम करके घर के अंदर चला जाता हूँ, लेकिन मुझे तब तो बंदा दिखता नहीं है। मैं देखता हूँ, लेकिन मैं जब भी यहाँ से खिड़की में से बाहर जाता हूँ तब मेरे ऊपर होती है फायरिंग। वो तो बंदे के पास में यूजी में एक्सटेंडर में नहीं था, नहीं तो बंदा मुझे पेल सकता था यहाँ पर। अब यहाँ पर स्मोक वगैरह भी कर दिया था टीममेट ने, तो आराम से लूट उट की उसकी। और तो और पीछे वापस से जो बाना उस इधर इस तरफ में बंदे थे, एक यहाँ पर टीपी लेकर के बैठा है। मतलब बंदे बहुत कम आए थे क्योंकि हॉट ड्रॉप था नहीं सही से, और तो और मिलता भी इतना खास कोई हॉट ड्रॉप है नहीं। तो बस इतने ही कुछ बंदे थे यहाँ पर। एक बोट आया था जिसको कि मेरा टीममेट नंबर 2 मार देता है। यहाँ पर अभी तो 2v4 ही चल रहा था, क्योंकि जैसे हम आए थे हमारे दोनों टीममेट मर गए थे आते ही। अब जल्दी से हमने लूट की, और तो और पीछे से वापस से फायरिंग आ रही थी, लेकिन नंबर 2 उनको भी मार देता है। और अब बगी लेकर के बस निकलना था यहाँ से, गाड़ी लेकर के निकल गए यहाँ से, किसी और जगह पे बंदों को ढूंढने के लिए। अब हम जा ही रहे थे, लेकिन मेरे टीममेट को यहाँ पर स्क्वाड हाउस के पास में बंदा दिखता है जो कि उसके रूफ पर था। पर बंदा क्या करता है कि जल्दी से ग्रेनेड की पिन खींच के नीचे फेंक देता है। तो हमने थोड़ा वेट किया। अब जैसे ही फटा, मेरे टीममेट ने मोली फेंकी थी ऊपर, तो वो जो बंदा था ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता था। अब तो उससे क्या होता है कि बंदा नीचे कूद जाता है, बस अब बंदा नीचे कूद जाता है। तो मुझे उसके कूदने की आ जाती आवाज़, तो मैं जल्दी से देखने जाता हूँ कि बंदा किधर कूदा है, लेकिन बंदा मुझे दिख जाता है। ईजिली भरा इसको। अब इसकी बस लूट उट करनी थी, मुझे डर था कि इसका टीममेट ना आ जाए, बस आराम से लूट उठ की और निकल।
अब हम वहाँ से आ जाते हैं यहाँ पर अपार्टमेंट्स में। मैं इसको ओपन करके देख रहा था कि अगर जो कोई बंदा हो जो दिख जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ कोई भी नहीं था और जो रहता था उसके फुटस्टेप आ ही जाते। यहाँ पर तो बंदा नहीं था, लेकिन बंदा इधर थे यहाँ जॉर्ज पुल के पास में, लेकिन टीममेट की हरकत, टीममेट क्या था कि बंदे ने फुल बूस्ट कर दिया और तो और टीममेट चला गया ऑफलाइन, तो जिससे कि क्या हुआ, अब बंदा तो चला गया था ऑफलाइन, अब गया यहाँ से मैं तैर के, मुझे थोड़ी दूर आ करके यहाँ पर एक बग्गी दिखती है, बस बग्गी उठाई, इतने में ही नंबर टू आ जाता है वापस से ऑनलाइन। तो मैंने सोचा कि नंबर टू तो अपनी हीलिंग विलिंग लगा, मैं इतनी देर में जाकर गया था उधर, बंदे को जो मिल जाए तो मैं वो किल चुराएगा, उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं ही किल बटोर लूँगा अपने, अब जाता भी हूँ मैं इधर। लेकिन मुझे, मैं पूरा का पूरा एरिया छान मार के आ जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिलता, तो मैं वापस से नंबर टू को बिठा करके अपार्टमेंट्स की तरफ में आ जाता हूँ। यहाँ पर बंदे मिलते हैं हमें, दो बंदे, और अब ड्राइविंग करने का एक ये नुकसान भी देता है। मुझे नीचे बंदा दिखा था, मुझे नीचे बंदा दिखा था, तो मैंने टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। मुझे पता था कि अगर जो मेरे टीममेट को पता लग गया तो उसका भी किल चुरा लेगा, तो मैंने जल्दी से उससे भी फिनिश डाल दिया और इनको इजीली मार दिया। अब और तो हमें बंदे मिल ही नहीं रहे थे, हम जहाँ पर जा रहे थे बंदे नहीं मिल रहे थे। अब मैं इसकी भी क्रेट लूट करता हूँ, इसकी भी क्रेट से, और तो और वापस से बैठ जाता है, तो मैंने सोचा कि नहीं गाड़ी में ही चलाऊँगा, तो वापस से बंदा उतर करके आ जाता है मेरी गाड़ी में। अब हम यहाँ से आ जाता है, अब वापस से पीछे से फायरिंग होती है स्कूल की बिल्डिंग से, तो बंदा मुझे पता नहीं था कि बंदा है कहाँ पर। अब बंदा देखो कितना गंदा वाला फायरिंग देगा हमारे ऊपर, बंदे ने ऑलमोस्ट नॉक कर ही दिया था मेरे टीममेट को। मैं वापस से जा करके देख भी रहा था कि बंदे कहाँ पर है, मैं हम वापस से वहाँ पर जाते भी है, हमारी गाड़ी का टायर भी पंचर कर दिया था, लेकिन अब हम जा रहे थे ऐसे, हम जाते भी है स्कूल की बिल्डिंग पे, लेकिन बंदा वहाँ पर नहीं रहता है। अब ऐसे इसको घस घस कर करके यहाँ पर ले कर आए हम, और तो और गाड़ी नहीं थी हमारे पास में, बस यही थी, और तो और जोन आ गया था और हमें जाना था 1200 मीटर्स, तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा था कि हम पहुँच पाएंगे। अब मैं पैदल ही जा रहा था, कम से कम मैं इतनी दूर आ गया, और इतने में नंबर टू पता नहीं कहाँ से गाड़ी लेकर के जाता है अच्छी वाली, और ये उड़ा के गया ऊपर से धूम फोर बना के। जल्दी से बैठे और निकल गए हम। अब हम यहाँ से निकल गए थे, लेकिन ब्रिज के ऊपर बंदा लेट करके क्या ही एकदम टट्टी फायरिंग देता है, मतलब क्या ही फायरिंग थी यार, देखना नॉक भी नहीं कर पाया मुझे। मतलब कि इतनी टट्टी फायरिंग, आराम से दोनों को उतार सकता था बंदा, लेकिन उसकी फायरिंग की क्या ही फायरिंग थी यार, मुझे खुद मतलब ऐसा अंदर से लगा कि क्या फायरिंग थी, क्या फायरिंग थी। अभी हम यहाँ पर, वहाँ से तो वो तो साला पागल निकला, अब वहाँ से हम आते यहाँ पर, और तो और मुझे आते आते मतलब आते टाइम मुझे हिल के ऊपर दो बंदे दिखे थे, तो मैंने फायरिंग दी, उनको अलर्ट किया कि हम आ गए यहाँ पर, मैंने जल्दी से अपनी हीलिंग बूस्ट की, और तो और मुझे पता था बंदे पीछे चले गए थे पहाड़ी के, मैंने हीलिंग लगाई नंबर टू, जैसे ही नोक होता है बंदे रश कर देते हैं हमारे ऊपर। अब ये जैसे ही नोक हुआ बंदों ने रश कर दिया, और तो और पहले एक बंदा बीट बन करके आता है, देखना कि मैं फायरिंग देने के लिए पिक दूंगा और पीछे से मार देगा, लेकिन पूरा पूरा वो प्लेन बना करके आ रहे थे, लेकिन तुम्हारा भाई कुछ उल्टा ही कर देता है। और ये वाला सीन अगर जो पसंद आए और लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब तो क्या ही करोगे, लेकिन लाइक तो कर ही देना।
पता नहीं टीममेट कहाँ पर थे, लेकिन दोनों मजे नहीं हुए। इसका मतलब कि अभी इनके टीममेट वगैरह अभी भी जिंदा थे। पर एक अच्छी चीज़ हो गई यहाँ पर कि दोनों किल मुझे मिल गए। अब मुझे लग रहा था कि जहाँ पर से ये बंदे आए थे इनके टीममेट्स भी यहाँ पर हो सकते, लेकिन बंदे इनके टीममेट नहीं थे यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि निकलते हैं फिर यहाँ से। अब सात बंदे अलाइव थे, अब ढूंढना मुश्किल था उनको। लेकिन टीममेट क्या ही, मतलब गाड़ी क्या ही चला रहा था, फायरिंग भी हो रही थी, लेकिन मुझे क्या था कि मुझे डर लग रहा था इसके साथ में कि अगर जो पीछे से आराम से कोई बंदा हमें उतार सकता है। मैंने उतर करके इतनी बड़ी गलती की क्योंकि दो किल मेरे गए। अब किल फिट देखना, नंबर टू दोनों बंदों को लेकर के जाएगा। मैं जहाँ इतनी देर में तो नॉक कर दिया उसने दोनों बंदों को, देख सकते हो। बस एक बंदा फिनिश कर सकता हूँ मैं तो, मतलब कि दो किल गए मेरे यहाँ पर। मैं बोल देता हूँ टीममेट को कि अब तो मैं ही मारूंगा। अब वापस से पता नहीं कौन किसको मार देता है, यहाँ पर फायरिंग होती है तो मैं इधर जाता हूँ। बंदा लास्ट बचा हुआ था बस। अब मुझे ऐसा लगा, मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर आया मुझे ऐसा लगा कि बंदा नॉक नहीं हुआ है, तो मैं कूदा, लेकिन बंदा फिनिश। और पता नहीं ये क्या, मैं वैसे दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मतलब कुछ यूनिक था तो मैंने सोचा ये आपको दिखाता हूँ। चिकन डिनर पे फाये फटाके वगैरह जो भी थे, और तो ऊपर फ्लेयर गन भी बनी हुई आई थी। तो बस इस लास्ट बंदे को मार करके आई होप मैच ख़त्म होता है हमारा। आई होप अगर जो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर जो चैनल पे नहीं हो और वीडियोस अच्छी लगती हो तो ही सब्सक्राइब करना, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो BGMI की वीडियोज़ देखते हैं। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ वॉच करने के लिए। थैंक यू।